आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में लोगों को नहीं मिल पा रही है मूलभूत सुविधाएं, बुखार की दवाई, पैरासीटामोल तक अस्पताल में नहीं, कई तरीके के टेस्ट के लिए भी मरीजों को लगाने पड़ते हैं चक्कर। दिल्ली सरकार के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तक की नहीं है सुविधा। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों ने दावा किया यहाँ पर कई सुविधाएं नहीं है जो मिलनी चाहिए। किसी बड़ी दवा का तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर बुखार की पैरासीटामोल भी उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में आए मरीजों ने बताया कि विभाग अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो पाता है। अगर अस्पताल के डॉक्टर दवाई लिख कर देते हैं जो कि आधी से ज़्यादा दवाएँ बाहर से लेनी पड़ती है जो कि काफ़ी महंगी भी आती है, जिसकी वजह से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में हर रोज सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं। कई लोगों के टेस्ट के लिए भी डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन जिन सुविधाओं पर मरीजों का अधिकार है वो भी सरकार द्वारा यहाँ मुहैया नहीं कराई जा रही है। दिल्ली सरकार भले ही अस्पतालों को दुरुस्त करने के दावे कर रहा हो, स्वास्थ्य मंत्री समय समय पर चक्कर लगाने की भी बात कर रहे हो, लेकिन इन तमाम दावों की पोल बाबू जगजीवन राम अस्पताल में हो रही लापरवाही से खुल जाती है, जहाँ मरीजों को दवाई के नाम पर सिकामॉल तक नहीं दी जाती है और अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मशीनें तक यहां पर कई महीनों से खराब पड़ी हैं। अब मरीज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो उम्मीदें लेकर आ रहे हैं उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। हर मरीज को दिल्ली सरकार के दावों के बाद उम्मीद रहती है कि उन्हें अच्छे डॉक्टर, साफ सुथरी व्यवस्था, सभी दवाइयाँ मिलेंगी और सभी तक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मिलेंगे, लेकिन बाबू जगजीवन राम अस्पताल में जब मरीज आ रहे हैं तो उन्हें मायूस होकर वापस जाना पड़ रहा है। अब यह व्यवस्था है कब तक दुरुस्त होगी और ऐसी लापरवाही है कब तक चलती रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। जो मरीज अंदर आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मरीज बिल्कुल नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मरीजों का कहना है जो यहाँ गार्ड है उनको पैसा उघाई करने का काम चालू किया गया है। इस बारे में अधिकारी को पता होते हुए भी इस तरीके से धांधलीबाजी चल रहा है। अस्पताल के जो भी स्टाफ हैं इस मामले पर संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। कई बार मरीजों का शिकायत करने के बावजूद भी इस तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पताल में खुलेआम चल रहा है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार कब तक इस मामले को साफ कर पाएगी। जनता के कहना है कि कई बार इस तरह से मामले सामने आते हैं। बाकी इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार, बाबू जगजीवन राम अस्पताल का स्टाफ इस मामले पर अभी तक उचित कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। चले गए कंगली हो हाल निकल यहाँ पे, देखो ज्यादा यहाँ पे इलाज कराने तो प्राइवेट में इलाज करा, ज्यादा जुगाड़ कराने का इलाज बोला। इतना तेरी इतनी उम्र हो गई, तेरी इतनी उम्र होगी, तेरे को क्या पेट पेट से करने की तेरी वो है उम्र है तो क्या हो गया बंदे का सेक्स उपलब्ध नहीं है। जो लोग एक्सीडेंट से आते होंगे ये कैसे उनका ट्रीटमेंट करते होंगे जिनके साथ कोई भी नहीं होता। ईटी का इंजेक्शन भी यहाँ उपलब्ध नहीं है ईटी। और क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही है अभी तो बहुत मेहनत। आपने देखा कितने लोग चिल्ला रहे थे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे, टेस्ट नहीं हो पा रहे, दवाएँ उपलब्ध नहीं है। हर आदमी यहाँ से परेशान होकर निराश होकर जा रहा है, बाकी कोई सुविधा नहीं मिला है। बाकी दिल्ली सरकार तो सारी चीज़ सुविधाएं बता रही है। दिल्ली सरकार की निकम्मा पर नहीं कहेंगे हम इसे, जो वो चिल्लाती ज़्यादा है, पोस्टरबाजी होर्डिंगबाजी ज़्यादा करती है और काम कुछ नहीं, कोई भी दवाई नहीं, जमीन पर कोई काम नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। देख लो हाँ बताइए क्या करने के लिए आए थे? दवा पैर दिखाने आया था, मैं पैर से चल नहीं पा रहा हूँ, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, अभी दवाइयाँ नहीं है, दवाई नहीं है, ये काफ़ी टाइम से यहाँ कोई मतलब कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा यहाँ पे और मतलब कोई ऑपरेशन भी नहीं हो रहा है, छोटे मोटे ऑपरेशन। अच्छा, अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ नहीं हुआ, बाहर से लिख रहे हैं, यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। सारा दवा बाहर से ला रहे हैं, ये देखो ना, एक दिए पांच कह रहे बाहर से लो, ये भी नहीं मिला। देखो सर, ये यही हालात काफी दिनों से बने हुए हैं। जीवन राम हॉस्पिटल में दवाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन। मेरी बहू है, उसको डिलीवरी होने वाला है और अल्ट्रासाउंड के लिए मैं इतना परेशान हूँ, कितना दिन से आई मैं, अल्ट्रासाउंड बोले यहाँ नहीं होगा, जाओ बाहर।
तो मैं ले लेके कभी एक बार तो अल्ट्रासाउंड मैंने प्राइवेट में जाके रोहनी में करवाई, रोहनी करवाई, वह खून का चेकअप और क्या सारा चेकअप करवानी थी, तो कह रहे ये लोग कि यहाँ नहीं है कोई चेकअप का मशीन, अब बाहर करवा लो। अच्छा, यहाँ से सीधे करें का बाहर जाए कोई सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं, अब वो खराब रहती है हमेशा ही। अब मैं लेके अब जा रही हूँ बाहर, अभी इन्होंने बोला है तो मैं लेके जा रही हूँ, अल्ट्रासाउंड तो करवाना ही है। में आप आए हैं छोटे बच्चे को लेकर? नहीं, हमने नहीं, वो जांच करवाने थी कि कल जांच हो गई थी, हो गया वो हो रहा था। अच्छा, चेकअप हो रहा था, अभी तक चेकअप नहीं हुआ। सुबह में गार्ड पैसे ले लेंगे काम करने। कितने पैसे मांगते गार्ड? वो से नहीं बोलते, बहुत हो सकता है काम लाओ दो पैसे। अच्छा, ये बोलते हैं एक बच्चा है मेरा, ये सुबह से लो पिया हूँ, अब इसको दूध पिलाने वाला भी नहीं है घर पर, कौन दूध पिलाएगा? कहते हैं खाली पेट आया करो, जब भी चेकअप हो रहा है परेशानी आ रही है दिन पे दिन। मेरा शौक। हाँ, कौशिक जी, क्या सुबह 9:30 का अपनी वाइफ को लेके आया हूँ, लेन में अंदर गई हुई है और खाली पैसे ले लेके गार्ड अंदर जाने दे रहे, लेडीज भी हैं जिनमें जेंट्स भी हैं, सब प्रेगनेंट हो रहे थे, इतनी भीड़ कर रखी थी सुबह 10:00 से लेके, अब देखो अभी इतना टाइम हो रहा है। अभी मेरी वाइफ ने कहा है मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं घर जा रहा हूँ, वो कह रही है यहाँ 4:30-5 बज जाएंगे, आधे आधे घंटे में गेट बंद कर दे रहे हैं, हमारी शिकायत हो रही है। जब आप लोग पैसे लोगे, शिकायत नहीं करेगा तो कोई क्या करेगा? कितना 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 पैसे मांग रहे हैं? 150 रुपये लेते हैं। किस लिए मांग रहे हैं? कि जल्दी काम करवाएंगे हम, आदमियों को भीड़ में खड़ा कर रखा है कि जान के भीड़ दिखे और रहते दिक्कत में हो, परेशान हो, अपने आप ही लोग पैसे दें। देख के आओ कितने घूसखोरी चल रही है, सुबह अभी भी 9:30 या 10 बजे के लोग लेन में लगे हैं, जिनका अभी तक नंबर ही नहीं आया अंदर जानों का, प्रेगनेंट औरतों का, कितने परेशान होते हैं वो लोग। अब देखो इनकी कोई सुनवाई नहीं है, सरकारी काम है, कहते हैं कि और कहीं दिखा लो, ज़्यादा जल्दी हो रही है। तो अब बोल रहे हैं कि जाके बाहर, तो एक दो दवाई थमा दिए, बोले बाहर से जाके ले लो। अच्छा, हम लोग तीनों लोग दवाई लेने आए, हमारे हस्बैंड भी आए, बच्चे भी आए, सबको दवाई लेने के लिए आए, बोले जाके बाहर से ले लो। मतलब इस अस्पताल में दवा नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है, पता नहीं पहले मिलता था, अब पता नहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ अब नहीं मिला, करे जाके बाहर से ले लो। किसने बोला था ये? डॉक्टर ने? नहीं, यहाँ पर। अच्छा, मेडिकल पे? हाँ, मेडिकल पर। अच्छा, डॉक्टर ने दवा लिखा हुआ? दवा तो लिख दी है, पर यहाँ करे जा बाहर से ले लो। आजाद जी, आप अस्पताल में आए थे, क्या दिक्कत आ रखी है? ये उंगली टूटी हुई है राइट हैंड की, तो इसमें जो है अभी इन्होंने कह दिया कि आ जाओ हम बैठ कर। अच्छा, और उसमें 2-3 दवाई लिखी है, 2 तो दे दिए और 1 बाहर से लो। तो क्या ये दवाई नहीं मिल पा रही है? अब नहीं मिल रही, अभी मेरे आगे लगे हुए थे 4-5, उनको तो बिल्कुल ही नहीं दी, कहीं बाहर से लो। अच्छा, बाहर की लिखी है। मतलब ये बाबू जंगजर अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है? अब नहीं मिल रही, अब से 2 महीने पहले सारी दवाई मिल रही। अच्छा, बाकी 2 महीने से कोई दवाई नहीं मिल, 2 महीने से लाल लड़ाई हो रही है यहाँ पर। अच्छा, बात की है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी ये दवाई बाहर से लेना और तुम्हें जो है यहाँ रेफर कर दिया है अम्बेडकर, अम्बेडकर दिखाओ, वहाँ ऑपरेशन होगा। सरजी कमल? हाँ कमल, क्या आए हुए थे, क्या दिक्कत आ रही थी? सर जी, मैं दवाई लेने आता हूँ 4-6 महीने में एक बार ही दौड़ेगी, और ये मैन जो दवाई ना दौड़ेगी, मैं जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ, इन्होंने ये दवाई नहीं दी है मेरे को, ठीक है, इन्होंने खाली पीली कैल्शियम पकड़ा दी है मेरी जेब में। हाँ, और टेस्ट के लिए बोलते बाहर से करा लो, लोकनायक चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मैं अपनी जॉब पर हूँ, यहाँ पे बारी बार 10 चक्कर मारूँ यहाँ पे, ना तो यहाँ पे टेस्ट की मशीन है ढंग से, और जो मेन दवाई है वो नहीं देता, ये खाली कैल्शियम पकड़ा है तेरे वाली। कब से चक्कर लगा रहे हैं दवा के लिए? मैं दवा यहाँ से खा रहा हूँ कम से कम 2 साल हो गए मेरे को। अभी कब आए थे उसके बाद दवाई नहीं मिली? मेरे को आए मेरे को 1.5 घंटा हो चुका है। बाकी दवाई नहीं मिली? दवाई नहीं मिली, मैन दवाई कह रहे बाहर से ले लो। क्या? अच्छा, एक बार पर्ची लिखाना। मेरे को ये मेन दवाई कह रहे बाहर से ले लो। अच्छा, मेन दवाई क्या बाहर से लेने के लिए कह रहे हैं? ये जो मेन दवाई है बाहर से, ये जो मेन दो रहेगी। अच्छा, मगर डॉक्टर चाय नाश्ता करे अपने मजे ले, वो हम दवाई बाहर से ले तो इनका फायदा क्या डॉक्टर के अंदर? अच्छा, डॉक्टर बैठे हुए हैं? डॉक्टर बैठे हुए अंदर, वो सामने कैश काउंट, उस पर जो काउंटर है दवाई का, उस पर से हमें भगा रहे हैं, कह रहे बाहर से लो दवाई, बाहर से क्यों ले जब सब कुछ यहीं पे है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। उषा जी, आप बाबू जगजीवन राम अस्पताल में आते, क्या दिक्कत है? जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी ब्लीडिंग जा रही थी, मैंने दिखाने के लिए आई यहाँ पे,
ओपीडी वालों ने इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी वालों ने बाहर के लिए अल्ट्रासाउंड दिया, दवाई ही दवाई से कोई आराम नहीं हुआ। आज मैं आई ओपीडी में तो यहाँ देखा ही नहीं। क्या लग रहा है, अल्ट्रासाउंड मशीन इसके अंदर नहीं है? वो है मशीन लेकिन कर ही नहीं रहे, बाहर प्राइवेट के लिए लिख रहे हैं। प्राइवेट के लिए लिख रहे हैं? कितने टाइम से आप आए हुए थे? मैं सुबह की आई हुई हूँ 8:30 बजे की, अब कुछ नहीं हुआ, अब मैं जा रही हूँ। क्या डॉक्टर मौके पे नहीं मिले? डॉक्टर भी हैं, सब हैं, लेकिन वही है अब एक रूल इन्होंने कर दिया है कि पहले एंट्री की लाइन लगो, एंट्री की लाइन लगो। हम सुबह से भूखे प्यासे लाइन में लगे हुए, वो लोग खाना खा रहे हैं गेट लगा के। अब एंट्री पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, कब दवाई मिलेगा कब क्या, मतलब कुछ पता नहीं है। मतलब डॉक्टर मेन बात है कि डॉक्टर आप पेशेंट को नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।